सो व्हाट्सअप गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे अनसेंड क्यू ए मैसेज को आप लोग कैसे देखोगे विदाउट किसी एप्लीकेशन, विदाउट किसी वेबसाइट का यूज किए। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे जितने भी सारे आपको अगर कोई मैसेज करता है और वह बाद में डिलीट कर देता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पे एक ऐसा सेटिंग्स बताऊंगा कि आप लोग डिलीट किए हुए मैसेज को यानी कि डिलीट हुए अनसेंड मैसेज को आप इंस्टाग्राम पे आसानी से देख सकते हो, वो भी अपने फोन में। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसा ही टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑन जरूर कर देना ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल के स्क्रीन पर आना है एंड यहाँ पे आपको अपना सेटिंग्स को ऑन करना है। मैं यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ एंड गाइस सेटिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको रिसेंट ऐप्स डिफॉल्ट ऐप्स यानी कि ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे आपको कौन सा एप्लीकेशन को ऑन करना है, आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ऑन करना है। मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ एंड गाइस जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन वाले सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल कर दोगे यहाँ पे आपको सारा सेटिंग्स को आपको मिला लेना है, सभी आपका नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सारा नोटिफिकेशन का जितना भी सारा सेटिंग्स सारा ऑन है। ठीक है, ये सारे आपको ऑन कर लेना है एंड गाइस ऑन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक हो जाना है। ठीक है, बैक होने के बाद में पूरा फुल बैक हो जाना है। ठीक है, बैक हो जाना है, बैक होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर से सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको फिर से नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स आपको क्लिक करना है, नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैं यह ट्रिक बता रहा हूँ यह ट्रिक 100% रियल है। मैंने यह सेटिंग खुद यूज किया हूँ तभी मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डबल फ़ोन नहीं था तो गाइस मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ नहीं दे सकता, बट यहाँ पे जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वह 100% रियल है। सबसे पहले तो आप यह ट्रिक को पहले देख लो, उसके बाद पहले आप यूज कर लेना। यूज करने के बाद यह ट्रिक अगर वर्क करता है तब आके इस वीडियो पे लाइक करना, तब कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि यह ट्रिक आप पे वर्क किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, वह सारा कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पहले वीडियो को देख लो उसके बाद ही आपको बताना है। ठीक है, लाइक अभी मत करना, पहले आप यूज करना ट्रिक को तभी आप वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको यह सेटिंग को इनेबल कर देना है। ठीक है, यह सेटिंग को जैसे इनेबल कर लेते हो तो दोस्तों होगा क्या, जो भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई भी मैसेज करता है और वह मैसेज को अनसेंड कर देता है तो दोस्तों यह नोटिफिकेशन हिस्ट्री में वह मैसेज सेव हो जाएगा, बट इंस्टाग्राम से वह डिलीट रहेगा बट यहाँ पे वह मैसेज शो करेगा। ठीक है, यहाँ से आप वह मैसेज को देख सकते हो। और गाइस फिर से अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक हो जाना है, पूरा फुल बैक हो जाना है, फिर से आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे जाना है और यहाँ पे आपको वह मैसेज शो हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया था, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।